हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में चैप्टर टू शेप्स एंड एंगल्स में हमने डिग्री क्लॉक बनाना सीखा था अब आगे हम चैप्टर थ्री हाउ मेनी स्क्वायर्स करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर थ्री हाउ मैनी स्क्वेयर्स सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉट ग्रिड है डॉट ग्रिड मीन्स जहां पे डॉट्स बनी हुई होती हैं अगर यहाँ स्क्वायर्स बने होते तो हम इसे स्क्वायर ग्रिड कहते हैं अभी यहाँ डॉट ग्रिड बनी है क्वेश्चन पढ़ते हैं मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग ट्वेल्व स्क्वायर्स यहाँ पर इस स्क्वायर की मेजरमेंट लेनी है हमें इसकी साइड कितनी होगी हम इसकी जब साइड स्केल से लेंगे तो ये वन सेंटीमीटर की स्क्वायर की साइड आएगी तो हम इसका मेजरमेंट लिखेंगे वन सेंटीमीटर ठीक है अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी ईच साइड होगी वन सेंटीमीटर लेंथ भी ब्रेड भी अब हमें यहाँ पर ट्वेल्व स्क्वेयर से रेक्टेंगल्स बनाने हैं आप किसी भी तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर इस तरह के ट्वेल्व रेक्टेंगल्स बनने चाहिए हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक आप कितने रेक्टेंगल्स बना पाते हैं ये आपको देखना है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरह से आपको रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तो आपने लिए ट्वेल्व स्क्वेयर्स आपको ट्वेल्व स्क्वेयर्स का एक रेक्टेंगल आपने प्रिपेयर कर लिया इसी तरह से हमें और भी ट्वेल्व रेक्टेंगल्स ट्वेल्व स्क्वेयर्स को लेकर रेक्टेंगल बनाने हैं ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ ट्वेल्व इक्वल स्क्वेयर्स सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ boundary विल बी डिफरेंट लेंथ ऑफ बाउंड्री के बारे में अभी बाद में बात करेंगे अभी हम एरिया के बारे में बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे 12 स्क्वायर से रेक्टेंगल तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हम पहले इसी से शुरू करते हैं अगर आपको 12 स्क्वायर्स बनाने हैं 12 स्क्वायर्स लेकर एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है ठीक है तो आप कॉलम वाइज़ और रो वाइज किस तरह से ले सकते हैं जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपको सिक्स इंटू टू या टू इंटू सिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम ट्वेल्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज हम ले सकते हैं इसे वन इस टू ट्वेल्व यानी कि आप वन कॉलम और ट्वेल्व रोज ले सकते हैं या आप ट्वेल्व इज टू इंटू वन यानी कि ट्वेल्व कॉलम और वन रो ले सकते हैं यानी कि कॉलम और रो कॉलम एंड रो इस तरह से और आपका आंसर आपका ट्वेल्व ही आएगा ट्वेल्व स्क्वायर्स ही आएगा इसी तरह से हम ले सकते हैं ट्वेल्व को टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स इस तरह से लिख सकते हैं ट्वेल्व को वन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व लिख सकते हैं ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई वन लिख सकते हैं इसी तरह से हम इनके स्क्वायर्स को भी अरेंज कर सकते हैं ऐसे ही टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स और सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू इसी तरह से थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर और फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री तो इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले कर रहे हैं वन कॉलम एंड ट्वेल्व रोज यहाँ पे वन कॉलम अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे ट्वेल्व हमारे पास रोज़ आनी चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही है हमारे पास तो हम ये वाला नहीं ले सकते ठीक है इसके बाद ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई वन यानी कि हम ये कर सकते हैं ट्वेल्व कॉलम्स एंड वन रो तो वन रो हम ये लेते हैं और ट्वेल्व यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं तो ट्वेल्व स्क्वायर्स लेना है वन ये आपका हो गया टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व तो आप देखिए यहाँ पे एक पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है अब यहाँ देखेंगे काउंट कर लेते हैं एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ये हो गया आपका ट्वेल्व स्क्वेस ये ट्वेल्व स्क्वेयर्स अरेंज किए हैं हमने किस तरह से ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई वन इस तरह से तो यहां पर ये ट्वेल्व स्क्वेयर्स अरेंज हो गए तो ये आपका एक मैथड हो गया अरेंज करने का ठीक है अब आता है टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ये वाले मैथड से भी हम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं अब आप यहां देखेंगे कि हम रेक्टेंगल इस वाले को इस तरह कैसे बना सकते हैं यहाँ पर आप देखिए सपोज़ हम यहाँ से शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं अब यहाँ पर आपको पूरे स्क्वायर्स ड्रॉ करने ये हमने ड्रॉ कर दिए ये भी किया ये भी कर दिया इस तरह से हम ये वाले ड्रॉ कर देंगे टू हो गया थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ये हो गया ऐसे ही हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और ये वाला अगेन यहाँ पर सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तो पूरे हमने काउंट कर लिए ट्वेल्व स्क्वायर्स हो गए हैं जैसा कि यहाँ पर था तो इस तरह से भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं तो ये आपके सिक्स कॉलम्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कॉलम्स और इस तरह से हमने टू रोज ले ली हैं ये टू रोज हो गए इसी तरह से हम बना सकते हैं इसका अपोजिट टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स ये हमने टू कॉलम्स ले लिए और हमें सिक्स लेना है तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यानी कि हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ये आपका हो गया इसमें इसका अपोजिट बिल्कुल सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू का अपोजिट हो गया टू कॉलम्स ले लिए हमने और सिक्स रोज ले ली है इस तरह से तो ये भी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं पूरे वन से लेकर ट्वेल्व स्क्वायर्स तक उसके बाद थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह से बन सकता है वन टू थ्री एंड फोर इसके बाद यहाँ पर वन टू थ्री कॉलम्स फोर रोज अब ये अलग तरह से है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हर बार रेक्टेंगल कुछ अलग तरीके से बन रहा है सभी की शेप अलग तरह से आ रही है रेक्टेंगल हैं लेकिन डिफरेंट तरह का रेक्टेंगल बन रहा है ये हो गया इसको भी ज्वाइन कर देते हैं इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा बन गया फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री और ट्वेल्व स्क्वेयर्स अब ये देखिए ये भी इससे डिफरेंट है ये वाला इससे डिफरेंट है तो इट मीन्स दिखने में ये सभी डिफरेंट लगेंगे लेकिन ट्वेल्व स्क्वायर्स हैं और स्क्वेस अगर इक्वल हैं तो इट मीन्स इनका एरिया इक्वल है इट मीन्स सभी रेक्टेंगल्स का एरिया ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर होगा लेकिन अगर हम इनके पैरीमीटर की बात करें तो क्या होगा जैसा कि आगे लिखा हुआ है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर इसमें पैरीमीटर जो होगा वो किसका लॉन्गेस्ट है ये बताना है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस तरह के रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम कितने रेक्टेंगल बना पाएंगे हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक तो चलिए बनाते हैं पहले यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये बना दिया हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं जॉइन कर दिया इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के रेक्टेंगल ट्वेल्व स्क्वायर्स का इस तरह का रेक्टेंगल अगर हम बनाना चाहते हैं तो कितने बनेंगे अब यहाँ पर हमने इसको देख लिया ये तो इसी तरह से हम ये रेक्टेंगल बना सकते हैं यहाँ देखिए हमने सिक्स लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये टू टू रूज इस तरह के रेक्टेंगल्स हम कितने बना सकते हैं तो आपने देखे यहाँ पे वन वाला ये रेड वाला है यानी कि वन बन गया है एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया है सेकेंड रेक्टेंगल ये वाला हो गया है देन थर्ड रेक्टेंगल ये येलो वाला देन फोर्थ देन फिफ्थ एंड देन सिक्स एंड सेवनथ यानी कि आप इस डॉट ग्रिड में सेवन रेक्टेंगल इस तरह के जो आपको गिवन है इस तरह के आप सेवन रेक्टेंगल्स बना सकते हैं इसी तरह से हमने अभी जो बताया थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री यानी कॉलम और रो को चेंज करके आप दूसरे रेक्टेंगल्स भी बनाकर देख सकते हैं और सभी के आप इस तरह से अगर डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तब भी आप सेवन ही बना पाएंगे अब यहाँ देखते हैं कि ये सभी का एरिया हमने अभी फाइंड करके देखा कि अगर हम स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं तो एरिया इनका आता है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर जितने स्क्वायर्स से, हैं उतना ही इसका एरिया क्यों क्योंकि एरिया क्या होता है द स्पेस इनसाइड द शेप जो कोई भी शेप बनी है फिगर बनी है उसके अंदर की जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द एरिया जितने भी यहाँ स्क्वायर्स हैं उसको काउंट करके हम उसका स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इसका एरिया हो गया यानी जितने स्क्वायर्स हैं उतना उसका एरिया हो गया सो so, सभी रेक्टेंगल का एरिया ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर है और वी कैन से दैट नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जितने स्क्वायर्स होंगे रेक्टेंगल में या स्क्वायर में उतना ही उसका एरिया हो जाता है अब आता है पैरीमीटर वॉट इज पैरीमीटर पैरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि जो भी शेप बनी हुई है उसकी बाउंड्री की लेंथ अगर हम कहें कि ये वाला एक रेक्टेंगल है जैसा कि यहाँ दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का एरिया तो ये अंदर वाला स्पेस हो गया द स्पेस इन साइड इट इन साइड द शेप लेकिन लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हुई पैरीमीटर क्या हुआ द सम ऑफ ऑल द साइड्स लेंथ ऑफ बाउंड्री बाउंड्री की लेंथ ये पूरी इसकी लेंथ होगी तो इसको निकालने के लिए लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालने के लिए यानी कि पैरीमीटर निकालने के लिए आपको सभी साइड्स इसकी प्लस करनी होगी दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ऑल द साइड्स ऑफ द शेप यानी पैरीमीटर क्या हुआ लेंथ ऑफ द बाउंड्री हुआ लेकिन लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे निकालेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द शेप जो भी शेप दी हुई है उसकी सारी साइड्स को हम प्लस कर देंगे यानी कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका पैरीमीटर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा पहले साइड हम देखेंगे ये वाली साइड कितनी है वन सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पहले ही देखा था स्क्वायर वन सेंटीमीटर का है ठीक है इसकी साइड वन सेंटीमीटर है तो वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन 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 इट मीन्स ये सिक्स सेंटीमीटर हो गया टोटल तो सिक्स सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई अब जो लेंथ यहाँ है अपोजिट साइड्स में रेक्टेंगल का इक्वल होता है सिक्स सेंटीमीटर ये भी सिक्स सेंटीमीटर और ये भी सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं वन एंड टू तो वन वन यानी कि टू यानी कि टू सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे ब्रेड हो गई टू सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल ये हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में तो सिक्स लेंथ है अपोजिट साइड्स और ब्रेथ है टू टू सेंटीमीटर अब हमें इनको सभी को प्लस कर देना होता है पैरीमीटर के लिए तो अगर हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है या पेरीमीटर निकालना है तो आप सभी लेंथ्स को बाउंड्री को प्लस कर देंगे प्लस करके हम देखते हैं इसका कितना पैरीमीटर आता है अगर हम पैरीमीटर निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री सिक्स प्लस टू प्लस सिक्स प्लस टू और वी कैन से दैट सिक्स प्लस सिक्स सिक्स प्लस सिक्स टू प्लस टू अब इसका सम करेंगे तो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आया अब यहाँ पे जो भी हम शेप बना रहे थे उनका एक बार पैरिमीटर देख लेते हैं क्या सेम आता है क्योंकि एरिया हमारा सभी तरह के हम रेक्टेंगल बनाएंगे सबका सेम आएगा आपने ये तरीका देखा इसमें भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था यहाँ काउंट करेंगे इसमें एरिया कितना आएगा काउंट करके देखिए 12 स्क्वायर्स हैं तो हमारा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे इसका एरिया आएगा सिर्फ हमें स्क्वायर काउंट करना है लेकिन अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पैरीमीटर के लिए आपको लेंथ सभी लेंथ्स को प्लस करना होगा तो यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है हमारी ट्वेल्व ये वन ये ट्वेल्व ठीक है और ये वन ये सभी सेंटीमीटर में होंगी लेकिन इन्हें हमें प्लस करना है पेरीमीटर के लिए ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स यानी इसका पैरीमीटर आ गया ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर अब देखते हैं क्या हमारे सभी फिगर्स का जो भी रेक्टेंगल बने हैं उनका एरिया और पैरीमीटर क्या सेम आता है अभी देखेंगे हम इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टू जर ट्वेल्व सब में ट्वेल्व स्क्वायर्स हैं इसमें भी ट्वेल्व स्क्वायर है तो इट मीन्स इसका एरिया हम कहेंगे ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि एरिया सेम आया बट पैरीमीटर पैरीमीटर की बात कर लेते हैं हम पैरीमीटर आएगा इसको सम को सम करना पड़ेगा साइड्स का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये वन टू यानी ये इसी तरह से पैरीमीटर आएगा हमने निकाला था सिक्सटीन सेंटीमीटर क्योंकि ये आपका सिक्स सेंटीमीटर है ये भी सिक्स सेंटीमीटर है और ये भी टू सेंटीमीटर है और ये भी टू सेंटीमीटर इस तरह से हमें इसका पैरीमीटर निकालना अब हम एक बात देखते हैं कि पैरीमीटर तो डिफरेंट आ रहा है एरिया सेम है लेकिन पैरीमीटर डिफरेंट आ रहा है चलिए आगे देखते हैं इस वाले फिगर में हम देखें तो यहाँ पर इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है अगेन हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है व्हाट अबाउट पेरीमीटर पेरीमीटर काउंट करते हैं यहाँ पे टू हो गया टू सेंटीमीटर ये हमारा सिक्स सेंटीमीटर ये टू सेंटीमीटर और ये सिक्स सेंटीमीटर यानी कि ये हमारा टोटल आएगा सिक्सटीन सेंटीमीटर यानी कि ये दो रेक्टेंगल का हमारा सेम आएगा एरिया एंड पेरीमीटर इसी तरह से हम इनको देखेंगे लेकिन इस वाले के इक्वल नहीं है पेरीमीटर अब यहाँ देखते हैं इसका एरिया आपको पता है ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो लेकिन पेरीमीटर की बात करें तो वन टू थ्री फोर ये फोर ठीक है ये थ्री साइड हो गया थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और ये भी फोर सेंटीमीटर अब हम सभी को प्लस कर देंगे थ्री सेंटीमीटर अब यहाँ पे फोर प्लस फोर एट सेंटीमीटर एट प्लस ये सिक्स हो गया थ्री प्लस सिक्स एट प्लस सिक्स यानी कि 14। फोर्टीन स्क्वा सेंटीमीटर ओनली तो ये पैरीमीटर अब देखिए पैरीमीटर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है यहाँ ट्वेंटी सिक्स था यहाँ 14 है यहाँ पे सिक्सटीन है डिफरेंट आ रहा है इसी तरह से इसका भी देखना है हमें इसका एरिया भी हमारा ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर है लेकिन अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर में आप साइड देखिए पहले ये थ्री सेंटीमीटर है ये वाली फोर सेंटीमीटर है ये भी फोर सेंटीमीटर है और ये थ्री सेंटीमीटर है अब सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टीन सेंटीमीटर लेकिन ये और ये सेम होगा यानी कि आप देख रहे हैं एरिया तो सभी का सेम आ रहा है लेकिन पैरीमीटर डिफरेंट आ रहा है तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है विच ऑफ दिज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर सबसे बड़ा पैरीमीटर किसका होगा तो हमने अभी देखा ये वाले रेक्टेंगल का हमारा पैरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा तो ये वाला रेक्टेंगल यानी कि कौन सा वाला रेक्टेंगल हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई वन यानी कि ट्वेल्व कॉलम्स एंड वन रो इस तरह का रेक्टेंगल जो होगा उसका लॉन्गेस्ट पैरीमीटर आएगा एंड विच ऑफ दिज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर स्मॉलेस्ट पैरीमीटर कौन सा वाले का होना चाहिए ये तो हमारा लॉन्गेस्ट हो गया स्मॉलेस्ट सबसे कम किसका आया है फोर्टीन यहाँ पे सिक्सटीन था तो इट मीन्स हमारा सबसे जो कम आया है दैट इज़ फोटीन यानी कि इस वाले का इन दोनों का तो यानी कि हम क्या ले सकते हैं या तो इसका हम एक और लिख सकते हैं वन इंटू ट्वेल्व यानी कि अगर आप वन कॉलम लें और रो ट्वेल्व ले लें तब भी इतना ही आएगा और अगर स्मॉलेस्ट पैरीमीटर की बात करें तो थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर और फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री यानी कि इस तरह के ये वाले रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर होगा लेकिन पैरीमीटर का सबसे छोटा आएगा स्मॉलेस्ट पैरीमीटर थैंक यू स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एन सी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस एंड स्क्रीन पर लगा दी गई हैं उनको क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल माइल्स टू